सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिंग। दोस्तों, आज के वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिन्होंने 2020 में दिल्ली सहायता योजना 5000 रुपये के लिए आवेदन तो किया था लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिला था किसी कारणवश, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2020 में आवेदन ही नहीं कर पाया था, उनके लिए प्रॉपर वीडियो बनाया जा रहा है उन्हें अब क्या करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिले। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर से 4 मई 2021 को ऑटो टैक्सी चालक को 5-5000 रुपये देने का ऐलान किया है और 72 लाख लोगों को 2 महीने के लिए फ्री राशन देने का ऐलान किया, जिसका अप्लाई करने के लिए 10 मई यानी कि सोमवार को transport.delhi.gov.in पे लिंक को अपडेट किए जाने वाले थे लेकिन लिंक को अपडेट नहीं किया। तो जिन लोगों को 2020 में 5-5000 रुपया मिला था तो उन लोगों को यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उनके अकाउंट में 5-5000 रुपया फिर से दिल्ली सरकार की तरफ से भेज दिया जाएंगे बहुत ही जल्द, जो कि कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिल गया है। और जिन लोगों को 2020 में अप्लाई तो किया था और जिन लोगों को पैसे नहीं मिला था, तो उन लोगों को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। सबसे पहले आपको ये देखना है अपने बैंक में आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं है, इसके बाद आपका KYC हो चुका है या फिर नहीं है, क्योंकि कई केस में ऐसा हुआ है यदि आपके बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपके अकाउंट पर दिल्ली सरकार पैसे नहीं भेजेंगे, और KYC भी होना ज़रूरी है। इसके बाद जैसे कि आपको आपके पास PSV बैच नंबर, आधार कार्ड नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होना अनिवार्य है। PSV बैच नंबर, आधार कार्ड नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस में नाम जो है कुछ सेम होना चाहिए, कहीं ना कहीं डिफरेंस नाम होगा यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल आवेदन तो किया था लेकिन नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक था, इसकी वजह से भी कुछ लोगों को अकाउंट में पैसे नहीं आए थे, कुछ लोगों को बैंक से आधार कार्ड भी लिंक नहीं था जिनके कारण उनके अकाउंट में पैसे नहीं आया है। दिल्ली सरकार की तरफ से एक लिंक transport.delhi.gov.in पे अपडेट किए जाने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो जिन लोगों ने 2020 में अप्लाई तो किया था लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिले हैं तो फिर से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने 2020 में अप्लाई ही नहीं कर पाया तो वो लोग फिर से आवेदन कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद आए लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलिंग चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।